आगे आ गया तेरे लिए। हाँ मेरे भाई, हाय गाइस, सर बिल्कुल आप जो जहाँ बोलेंगे मैं वहीं देखूंगा मेरी जान। थैंक यू सर, थैंक यू। यार बहुत कड़क रिस्पॉन्स, बहुत ही कमाल की रिव्यूज़, बहुत ही अच्छी बातें। और मैं आई बी ऑनेस्ट विथ यू कि सिंकिंग नहीं हुआ है अभी तक कि शो रिलीज़ हो गया करके। अभी भी वो थोड़ा ऐसे जिटर्स कि क्या होगा शो का, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे इमोशन चल रहे हैं यार मन के अंदर। बट इट्स फाइनली रिलीज्ड, ढाई तीन साल की मेहनत, एंड इट्स आउट देयर, एंड आई कांट बी मोर थैंकफुल। आई एम सो 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 थैंकफुल गणपति बप्पा। यार अभय आंगरे, आंगरे परिवार का सुपूत, आंगरे परिवार का खून, रानी माई का बेटा सुपूत, कपूत, हराम खोर कपूत कपूत हमारे शो का ये हरियाली अमावस्या जो गया पीछे। अभय आंगरे, रानी माई का बेटा, बावला पागल, सबसे छोटा बेटा, घर का दिल का प्यारा है, इनोसेंट है, लेकिन उसे टिकिंग टाइम बॉम्ब कहेंगे, मतलब वो कब फटेगा किसी को नहीं पता। वो उसका अगला मूव क्या है, वो क्या करेगा उसको खुद को नहीं पता। वो करता पहले सोचता बाद में, ही इज़ वन ऑफ दोज कि वो कर जाएगा उसके बाद उसको रियलाइज होगा कि ये मैंने क्या कर दिया। सो दैट्स एग्जैक्टली वॉट अभय आंगरे इज़ ऑल अबाउट। और बहुत पागल किरदार है दोस्त, एंड आई थिंक अभय की सबसे सबसे खास बात है, मैं बता नहीं सकता आपको, आपको क्लाइमैक्स में देखना पड़ेगा। आई थिंक इस किरदार का क्लाइमैक्स जो है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्सेस दैट आई एवर एवर रिटन, एवर सीन, एवर हर्ड और एवर प्लेड। आई एम सो सो एक्साइटेड फॉर, मैं फंबल कर रहा हूँ यार दोस्त, समझ रहे हो एक्साइटमेंट का लेवल यार। सो या इट्स Guys, please watch it. It's out right now on MX Player Gold and Alt Balaji. Please watch it and please tell me what you think. क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त आने वाले, yes. खास उम्मीद है कि आए और ये देखे हैं यार, सारे दोस्त। How are you? एक आ गई। बहुत उम्मीदें हैं सारे दोस्तों से, मतलब जिन जिन लोगों को मैंने बुलाया है, आई होप कि कई सारे लोग आ पाएँ एंड देखें, और प्लीज़ हमें बताएं कि कैसा लगा उन सब लोगों को। रियली होप, यस भाई, कोई लुक नहीं मेरी जान, बस नॉर्मल अपने घर के कपड़े मेरे भाई, एंड देर इज नो पर्टिकुलर लुक, एवरीथिंग टुडे इज ऑल काटन, ओनली एंड ओनली काटन। थैंक यू गाइज, थैंक यू। हाँ आप तो बस, हाँ मैं तो एक्चुअली अभी फिलहाल शूटिंग से आ रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि रिस्पॉन्स कैसा है, बट जितने भी लोग सोशल मीडिया पे जो रिव्यूज़ दे रहे हैं, और मेरे जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे वो बॉम्बे में हो या इंडिया में कहीं भी हो, बहुत खुश है, एंड आई थिंक द रिस्पॉन्स इज़ बीन टेरिफिक। ये एक लंबा शो है, तो आई फील दो तीन दिन के बाद ही शायद अंदाज़ा होगा कि रिस्पॉन्स कैसा है, नो कि अभी लोग तीन चार पाँच एपिसोड देख चुके हैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड होपफुल, फिंगर्स क्रॉस्ड कि आने वाले दिन में इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड गुड। यार डैड के रिव्यू के लिए तो मैं काफ़ी नर्वस हूँ, बट डैड से ज़्यादा मॉम के रिव्यू के लिए बहुत नर्वस रहता हूँ, बिकॉज जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि मॉम मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है। सो आई एम रियली रियली होपफुल कि उन्हें ये शो पसंद आए, क्योंकि हमने इस शो में बहुत मेहनत लगाई है, पिछले दो साल से इस शो पे काम करते आ रहे हैं, तो होपफुली इट विल ऑल बी वर्थ इट। अनफॉर्चुनेटली मम्मी अभी हिंदुस्तान में नहीं है, वो अभी पोलैंड में है, तो जब भी वापस आएंगे तो ज़रूर देखेंगे। डिफरेंट आउटफिट है, आई मीन ऑनेस्टली मैं तो शूट से आ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ अलग पहन के आ जाऊँ, हमेशा मैं नॉर्मली हुडीज और जैकेट्स और जॉगर्स में रहता हूँ, तो
course, of course. I mean, हम दो साल से रुके हैं ये पार्टी के लिए, तो पार्टी तो बहुत करेंगे. I think हम सिर्फ 9 या 10 बजे तक पार्टी कर सकते हैं, तो उसके बाद शायद आफ्टर पार्टी भी होगा. तो लेट्स सी. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. Thank you.